Shake is back to entertain her fans. Sana is seen playing the lead in Channel V Million Dollar Girl. Let's know more about this from Sana. Uh, गुस्ताख दिल के बाद uh, कुछ शोज ऑफर हुए थे जो कि मैं उस वक्त नहीं ले रही थी अगले एक महीने तक मुझे नहीं लेना था एंड उसके बाद uh, मैंने uh, सोचा कि चलो अब शो लेते हैं एंड देन आई थिंक टू एंड हाफ मंथ्स ब्रेक और समथिंग उसके बाद आई एम बैक विथ मिलियन डॉलर गोल मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ बिकॉज uh, जैसे आप देख सकते हैं मेरा लुक क्यार मतलब इट्स सो डिफरेंट विथ ऑल श्रग्स और जैकेट्स एंड यू नो दीज क्यूट लिटल सैंडल्स और मतलब बड़ा ही डिफरेंट लुक है और जम uh, सूट्स uh, में मैं जंप अराउंड कर रही हूँ यहाँ पे हर जगह और uh, uh, बहुत ही यंग सी गर्ल है यू कैन से शीज़ शीज़ इज़ वेरी बबली लेकिन बहुत एक स्पंक है उसके अंदर मिलियन डॉलर गर्ल जैसे शो का नाम है Uh, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस uh, लड़की है बहुत ज़्यादा एम्बिशस लड़की है एंड लाजो का काफ़ी बिट्स एंड पीसिस में इस में, इसके अंदर भी है जस्ट डेट कि लाजो इंग्लिश नहीं बोलती थी बहुत और uh, लाजो का एक एक्सेंट था यूपी का बिहार का और यहाँ पे ये बहुत इंग्लिश में बात करती है थोड़ा सा यू है आई मीन लाइक बनारस की है uh, और बनारस uh, की है फिर भी ऐसी है क्योंकि इसका इसका रहन सहन बहुत अरे यार बहुत डिफिकल्ट मुझे लगा था शुरू में बिकॉज मुझे बहुत ड्रंक एक्टिंग करनी है इस आ, सीरियल में आ, बार बार वो शंकर बोलती है तो वो लिटरली लि लि चिलम लेती है एंड उसको जब चिल आउट करना वो दारु है, दारु है. तो वो दारू की बॉटल लेके घाट पे बैठ जाती है एंड दारू दारू पीती है हाफ द शी इज ड्रंक तो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है एंड आई एम एंजॉइंग प्लेंग अवंती वन सेल इनिशियली इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा था मैं शराब पीने वाली एक्टिंग कैसे करूँ uh, अपनी जबान आपको स्लोर करनी होती है झूमना होता है वो आपकी आंखें वाँखें चढ़ी हुई होती है और अब बात करते वक्त कभी कभी हकलाने लगते तो मैंने बहुत सारे उसके इनसेज देखे थोड़ा सा थोड़ा सा रिसर्च किया उसके ऊपर एंड देन मैंने एक्टिंग की काश आमिर ख़ान के जैसा एक्चुअली करती लेकिन आई डोंट नो हाउ ही डज इट बिकॉज एक बार इंसान पी ले तो फिर वो काम पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करे मुझे नहीं पता कैसे होता है लेकिन हाँ मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ uh, बहुत बहुत बड़ा कल्चर शौक़ लगा मुझे मिलियन डॉलर गर्ल के सेट पर आकर सबसे पहला शौक ये था कि यहाँ पर सीन्स इतने फास्ट होते हैं इतने फास्ट होते हैं आप चैनल भी जब आप देखेंगे भी तो आपको स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है एंड खटखट खट 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 कैमरा मूवमेंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ फाइव नाम का एक कैमरा है है, वो कम से कम हमारे सेट पे तीन लगते हैं तीन कैमरामैन पकड़ के चलते हैं एंड कब किसका क्लोज़अप लग रहा है किसका मास्टर शॉट वाइट शॉट लग रहा है कुछ पता नहीं चलता और आपको अपनी एक्टिंग हम, कर एक तो हम लोग करीब कभी पच्चीस सीन्स भी निकाल देते हैं दिन भर में तो हम एक एपिसोड से ज्यादा शूट करते हैं इन अ डे बट रेगुलर डेली सोप्स आप नाइन ओ क्लॉक की शिफ्ट में आप रोल करते हो अराउंड टेन टेन थर्टी एंड यू पैकअप बाई टर्टी अगेन टेन ओ क्लाक लेकिन यहाँ पर हम नाइन नाइन फिफ्टीन रोल करते हैं साढ़े आठ बजे में सेट पे होती हूँ एंड कभी कभी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे पाँच दस मिनट होता है तो मैं गाड़ी में मेकअप कर लेती हूँ खुद का एंड हम पैकअप कर लेते हैं आठ साढ़े आठ बजे रात को शाम को हम फ्री हो जाते हैं uh... कि लड़की बहुत जुगाड़ू है बहुत झोलर है और मैं ऐसी नहीं हूं मतलब ये हर चीज़ में जुगाड़ ढूंढती है कि मैं इसको पटा के उसको पटा के इसकी टोपी उसके सर और मतलब सब सब चीज़ें सही तरीके से करती है मगर बहुत झोलर दिमाग है इसका बहुत चंट है बहुत एक्चुअली हमारी बॉम्बे की लैंग्वेज में अगर बोले तो लेकिन आ, आ, मैं ऐसी मतलब मेरा दिमाग इतना नहीं चलता है मैं बहुत कुंद हूँ मतलब मैं आ, आ, अपने काम से काम रखती हूँ एंड काम करती हूँ तो डिट्स अ डिफरेंस एक्चुअली बट यू आस्क मी अबाउट द सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी इज़ आई थिंक शी इज वेरी अटैच टू अ फैमिली एंड आई एम ऑल्सो वेरी अटैच टू माई फैमिली एंड या वो अपनी बहन के बहुत करीब है मैं भी अपनी बहनों के बहुत करीब हूँ तो ये काफ़ी सिमिलर uh, है

बट आफ्टर दैट जब मुझे डेली सोप्स मिलना शुरू हुए लाइक अ सोनी शो जी टी वी शो स्टार प्लस शो तो ये सारे शोज के टाइम पर मैंने सिर्फ संडे शोज ले लिया था और रेडियो मेचीज भी बिन वेरी काइंड अनफ टू गिव मी दैट संडे स्लॉट और वो भी टेलीविजन पर ही बेस्ड है सो आई गेट टेलीविजन स्टार्स टू स्पीक टू मी एंड इट्स क्वाइट फन like है लेकिन अब मुझे डिमांसेस पता है टेलीविजन के कि एज एन एक्टर कैसे करते हैं तो मुझे ये भी पता है कि कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए यू you नो know, कभी कभी ऑफेंडेड हो जाते हैं लोग और मैंने पहले बहुत ऑफेंड किया होगा लोगों को तो मुझे अब रियलाइज़ होता है यार ऐसा नहीं पूछना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए बट अभी मैं थोड़ी कंट्रोल्ड हो गई हूँ जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती बात क्योंकि एज अ रेडियो जो यू शूड केयर अबाउट इट बट या वी इन योर लिमिट्स बट थोड़ी सी ऐसी हो गई हूँ बट आई लव म्यूजिक आई लव बिंग ऑन रेडियो मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है रेडियो पर uh, मैं संडे संडेज मैनेज कर लेती हूँ जिस दिन छुट्टी रहती है मैं उस दिन जाके कर लेती हूँ अपने अगले चार संडेज़ Uh, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ मिलियन डॉलर गर्ल ने मुझे एक्सेप्ट कर लो अब और आई uh, मीन um, I mean, मुझे नहीं पता क्या रीजंस रहे होंगे पिछली uh, पिछली अवंती के छोड़ने के और uh, मैं मैं सिर्फ अपना जॉब कर रही हूँ मैं एक एक्टर हूँ और uh, मुझे शो ऑफर हुआ मुझे अच्छा लगा और मुझे कोई रीजंस वगैरह कुछ नहीं पता मैं सारे फैंस को बोलना चाहूँगी कि डोंट डोंट थिंक टू मच अबाउट इट बिकॉज जस्ट माई जॉब दैट आई एम डूइंग एंड आई होप कि मैं आपको एंटरटेन uh, कर पाऊँ Bansal because i am trying very hard the team is trying very hard and um, it's, a, it's a very cute show and a very cute character which i am enjoying and i hope ki aap log bhi enjoy kare sana your sure show with time fans will accept you in this character too We wish you all the good wishes richika singh with cameraman babaji india forums mumbai hi this is sana sheik lajo from mustaq dil and you're watching india forums and do subscribe to whatsapp tv